बिहार में बाढ़ के साथ साथ बेरोजगारी, ऐसा क्यों? सोच सकते हैं आप इन तस्वीरों को देख करके कि जिस जगह पे बाढ़ की स्थिति ऐसी हो वहां पे बेरोजगारी का होना लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाढ़ का संबंध बेरोजगारी से क्यों है, कैसे नहीं होगी? कोई भी इंडस्ट्री वाले चाहेंगे क्या कि ऐसे बाढ़ वाली जगह पे अपने इंडस्ट्री को खड़ा करना? कोई भी कंपनी चाहेगी कि आप मेरी कंपनी महीनों दिन तक बंद रहे? ऐसी कोई कंपनी नहीं चाहेगी और ऐसा कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं चाहेगा कि उसकी फैक्ट्री ऐसे जगह पर लगे जहां पे बाढ़ के वजह से महीना दो महीना तक उसका काम बाधित हो। दो महीना ही क्या, इससे अधिक दिन तक उसका काम बाधित हो, ऐसा कोई इंडस्ट्री वाला नहीं चाहेगा। तो फिर बेरोजगारी की स्थिति बनेगी ही और यहाँ के लोग पलायन करेंगे ही। लेकिन यहाँ के सरकार का ध्यान रहता कहाँ पे है? सरकार का ध्यान रहता है बाढ़ आने के बाद 6,000 कुछ लोगों के अकाउंट में डालना। चुनाव का कंडीशन है तो हो सकता है कि कुछ और उसमें बढ़ाकर डालना, लेकिन इस बाढ़ की स्थिति को सुदृढ़ नहीं करना। हाँ, ये ठीक है कि कोसी नदी से आने वाली पानी को आप पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप बाढ़ आने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, ये सही है। लेकिन क्या बिल्कुल नहीं रोक सकते? क्या ये जो बांध टूट रहा है आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते? इस पर तो नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन क्यों करेंगे? और जो बांध बनाने वाले हैं वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि उसकी ढलाई की जाए, उसके साइड से कंकड़ बिछाया जाए, कंकड़ की ढलाई की जाए, कि मोटे परत की ढलाई किनारे की तरफ की जाए, वो ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका व्यवसाय रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? पक्का रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? ये जो करोड़ों के फंड आते हैं इस पे नियंत्रण हो जाएगा, इस पे अंकुश लग जाएगा। अगर हर साल बांध नहीं टूटता है तो ये जो करोड़ों के फंड आते हैं बांध के मरम्मती के लिए वो फिर कहाँ से आएंगे? और फिर जब नहीं आएंगे तो ये अपना कैसे रोटी सेकेंगे, उसका अपने व्यापार का रोटी कैसे सेक पाएंगे, ठेकेदारों की कमाई कैसे होगी, और ये जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो कैसे वाहवाही लूटेंगे उसका? तो फिर समस्या है ना उसको मजबूती प्रदान करने में। और मजबूती प्रदान नहीं करने के कारण हर बार बांध का टूटना, और बांध के टूटने के बाद कई गांवों का तबाही में शामिल होना, और उस बाढ़ में कई मवेशी का दह जाना पानी के साथ, यह बहुत ही खतरनाक बात है। कुछ लोग सालों की कमाई के बाद एक झोपड़ी तैयार करते हैं, और वह झोपड़ी तैयार करने के समय ही उन्हें पता होता है कि झोपड़ी में मैं पैसा तो लगा रहा हूँ लेकिन इस वर्ष यह झोपड़ी रहने वाली नहीं है, क्योंकि फिर बाढ़ आएगी और हमारी झोपड़ी को यहाँ से दूसरे जगह पे हस्तांतरित कर देगी, हम फिर कहीं के लायक नहीं रहेंगे, फिर हमको वही चिवड़ा मीठा मिलेगा, फिर हमको बांध में जाकर के शरण लेना होगा, और फिर वही चिवड़ा मीठा, फिर वही पार्ले जी का बिस्किट कभी कभार, और वही मिला हुआ कुछ लोगों को तिरपाल, उसी में गुजारा करना होगा और उसी में रहना होगा, बांध पे अपने मवेशी के साथ सोना होगा, उसी के साथ उठना बैठना होगा। ये सबको पता है, और उस झोपड़ी बनाने वाले को भी ये पता होता है, फिर भी वह बनाता है क्योंकि फिर जाए तो कहाँ जाए, और फिर बाढ़ आती है, फिर उसके घर की वही स्थिति, वही दशा जो पिछले साल थी, वही इस साल भी और वही अगले साल भी। लेकिन सरकार का ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं जाएगा। सरकार का ध्यान इस पे जाता है तो फिर राजनीति की रोटी सेकने का अवसर नहीं मिलेगा, और फिर अगले वर्ष आकर के उन्हें कुछ बांटने का मौका नहीं मिलेगा, और कुछ बांट करके वाहवाही लूटने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर से उस वोट को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। जो सरकारें राजनीतिक रोटी सेकती हैं उन्हें उस बांध पे ध्यान देने की अधिक जरूरत है, उन लोगों के मकानों के बारे में सोचने की अधिक जरूरत है जिनका हर साल झोपड़ी जो है वो पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ खत्म हो जाता है, घर में रखी हुई सारी चीजें सत्यानाश हो जाती है। हमारे यहाँ के किसानों का जीवन यापन, अधिकतर किसानों का जीवन यापन उनके द्वारा की गई खेती से चलता है, लेकिन उस खेती का क्या होता है जो बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाती है और नष्ट हो जाती है? इसका अस्थाई हल निकालना ही होगा ताकि यह समस्या नहीं रहे।